Hey guys, welcome to another episode of Best Android Apps of the Week. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसी यूनिक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो कि लाजमी आपके काम आएंगी और इन एप्लीकेशंस को आपको अपने स्मार्टफोन में लाजमी इंस्टॉल करके रखना चाहिए। तो भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। भाई, लास्ट वीडियो में जो कॉमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था ना, वो टेक्निकल अरूज शकूर का कॉमेंट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके चैनल पर जाएँ, अगर आपको इनका कॉन्टेंट ज़रा सा भी अच्छा लगे तो इनको सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें। और आप सबसे भी कहूँगा, अगर आपको एक शाउट आउट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कोई भी एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा तो आने वाली वीडियो में आपका कमेंट पिक करूँगा और आपको एक शाउट आउट मिलेगा। सो गाइज, इस वीडियो की सबसे पहली एप्लीकेशन का नाम है WA Box। ये WhatsApp के रिलेटेड एक एप्लीकेशन है। जितने भी एंड्रॉयड यूज़र हैं वो सारे के सारे WhatsApp लाजमी यूज़ करते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। इसमें आप डिलीटेड मैसेजेस को तो फाइंड कर ही सकते हो, उसी के साथ साथ इसमें और भी काफ़ी सारे यूज़फुल फीचर्स हैं, जैसा कि टेक्स्ट टू इमोजी या फिर शेक टू ओपन WhatsApp। इसी तरह के आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हो। मुझे ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और यह हर टाइम मेरे स्मार्टफोन में रहती है, क्योंकि मुझे कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इस वीडियो की सेकंड एप्लीकेशन का नाम है सिग्नल, और ये भी एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है। सिग्नल एप्लीकेशन के ज़रिए आप WhatsApp को रिप्लेस कर सकती हो। ये एक WhatsApp का अल्टरनेटिव है। अभी हाल ही में WhatsApp का एक इशू चल रहा था प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, तो इस सिग्नल एप्लीकेशन को आप WhatsApp की जगह पर यूज़ कर सकती हो। इसमें भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है और काफ़ी सारे फीचर्स WhatsApp की निस्बत थोड़े अच्छे हैं, जैसा कि इसमें लिंक प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसमें मार्क एज अनरीड का ऑप्शन है, उसके अलावा इसमें इनकॉग्निटो कीबोर्ड का ऑप्शन है। अब मार्क एज अनरीड वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसमें यह होता है कि अगर आप किसी का मैसेज देख लेते हो ना, अगले बंदे की तरफ डबल टिक चला जाता है तो ब्लू कलर का हो जाता है, यानी सीन हो गया, तो आप उसको मार्क एज अनरीड कर सकते हो कि आपने नहीं देखा। तो आप समझ रहे होंगे ये ऐप भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इस वीडियो की थर्ड एप्लीकेशन का नाम है Hide.me VPN। तो ये वाली एप्लीकेशन भी हर टाइम मेरे स्मार्टफोन में इंस्टॉल्ड रहती है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प देती है मुझे सर्वर्स को चेंज करने में। अक्सर अगर आप लोग PUBG खेलते हो या फिर आप लोग कोई ऐसी एप्लीकेशंस को ट्राई करना चाहते हो जो कि आपके कंट्री में, आपके एरिया में बंद हैं, तो Hide.me के ज़रिए आप कर सकते हो। और हाँ, इसमें आपको ज़्यादा एड्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। और इसमें जो फास्टेस्ट सर्वर है ना, वो बिल्कुल फ्री आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए मिल जाएगा। चौथी एप्लीकेशन का नाम है गूगल कीप, और ये गूगल की एप्लीकेशन है। मैं आपको ये बताता चलूँ भाई, गूगल की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं सारी की सारी यूज़फुल होती हैं और किसी न किसी पर्पज़ को लेकर ही बनाई जाती हैं। गूगल कीप एक बहुत ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है और इसको आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। इसमें आप नोट्स टाइप कर सकती हो, जैसे आम मोबाइल फ़ोन में भी एक नोट पैड होता है ना, वैसे ही गूगल कीप में आप नोट्स को टाइप कर सकती हो। नोट्स की हेडिंग्स बना सकती हो अलग अलग टाइटल्स के हिसाब से, उनका कलर चेंज कर सकती हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़े का फीचर है ना, ये डिवाइस को लिंक कर देता है, यानी आपके फ़ोन में एक ईमेल एड्रेस लॉगिन है, वही ईमेल एड्रेस आपके कंप्यूटर में लॉगिन है, आपके टैबलेट में लॉगिन है, आपके लैपटॉप में लॉगिन है। तो आप अपने फ़ोन में जो भी नोट सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में भी सेव हो जाएगा, क्योंकि आपका अकाउंट जो है ना वो सेम लॉगिन होगा सारे डिवाइसेज में। तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी लिंक्स वगैरह शेयर करने में। अब इस वीडियो की लास्ट एप्लीकेशन का नाम है भाई शेक लाइट। इसको आप शेक करेंगे ना तो आपके फ़ोन की बैक लाइट ऑन हो जाएगी। अब ये एक यूज़फुल एप्लीकेशन है, लेकिन कभी कभी आपको ये थोड़ा बहुत तंग भी करेगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी सेंसिटिविटी सेटिंग्स को एडजस्ट करके रखिएगा। जैसे ही आप अपने फ़ोन को शेक करेंगे आपके फ़ोन की बैक फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है यार ये दिखने में। हाँ, इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में जाके इस एप्लीकेशन को बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से ऑफ करना होता है, उसके बाद ये आपके फ़ोन में वर्क करती है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है, यूज़फुल ऐप है, मेरे फ़ोन में हर टाइम इंस्टॉल रहती है। तो मैंने आपको ये पांच एप्लीकेशंस बता दी। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस प्रॉपरली मिलते रहें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।